आया देखिए भाई, जो न्यूमेरिकल में हमें ज़्यादातर टर्म्स यूज़ होती हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, कहानी वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस आ रही हैं ऊपर से नीचे, एक पॉजिटिव चार्ज क्यू को मैं मूव कर रहा हूँ ए से बी, तो इस चार्ज में क्या होगा, ए से बी ये खुद जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि ये फील्ड लाइन भी पॉजिटिव की है, नेगेटिव की नेगेटिव की है तो इन्वर्ट हो रही है। तो ये जो चार्ज की फील्ड है वो भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, मैंने इसको ऊपर लेके जाना, तो क्या करना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, एनर्जी लानी पड़ेगी, फोर्स, बातों से फोर्स नहीं लगेगी, फोर्स एनर्जी, कश्मीर भी बातों से पता नहीं होगा। आप जैसे जवान जाके जहाद करेंगे या क्लास में जहाद नहीं करें, इंशाल्लाह का मतलब पता है, मतलब पता है इंशाल्लाह का, अगर अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह क्यों नहीं चाहेगा, तो मजाक नहीं उड़ाओ अल्लाह ताला की बातों का, ठीक है। अगर आपकी नियत हो तब इंशाल्लाह बोला करो, नियत ना हो तो नहीं बोला करो, ये भी मजाक है। लिख रहे हैं दो फरिश्ते इधर कि रामन गाती भी, आपके एक काम करने का 100% इरादा हो आपका, लेकिन अल्लाह ताला उसमें कोई रुकावट ना डाल दे, तब आप कहते इंशा अल्लाह कि मेरा तो 100% इरादा है, मैं कल आपसे 5 बजे मिलूंगा, 100% मेरे ये बात दिल में है, मेरे दिल में ये नहीं है, टोपी करा दो यार, होगा मैं मिलोगे ना इंशा अल्लाह, अल्लाह ताला से नहीं मजाक, उससे भी झूठ, ये लिखे जा यहाँ लिख रही है सारी बातें। और रजिस्टर जब अल्लाह ताला बोलेगा क़यामत के दिन ये किस नियत से बोला था, अल्लाह ताला को तो नियत पता है ना, मेरे नाम ही रह गया था झूठ बोलने के लिए, सही है। तो ये सीरियस इश्यूज़ हैं, इनको ना बोलो, बोलो हाँ यार वादा करो कर मैं मिलूँगा मिलूँगा, लेकिन वाकई रहा फिर इंशाल्लाह बोल देना। खैर, तो ए से बी की जो भी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी मैंने उसको नाम दे दिया यू, नाम क्या दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, 10 जूल है, 20 जूल है, 30 जूल है, 40 जूल है, वो यू है। जब मैं ए से बी मूव करूँगा चार्ज को, काम करूँगा उस पर, वो काम बन जाएगा इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, उस पोटेंशियल एनर्जी को मैंने नाम दे दिया यू, उस पोटेंशियल एनर्जी को जब क्यू से डिवाइड कर दूंगा तो क्या निकल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने नाम दे दिया वी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन, कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ इसलिए कि न्यूमेरिकल्स में ये टर्म्स यूज होंगी। अब अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यू किसके बराबर आ जाएगा, क्यू वी के, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल क्या बन गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी के केस में एनर्जी चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल, एक और इम्पोर्टेंट यूज पोटेंशियल डिफरेंस का, चार्ज मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। अब जब मैं इस चार्ज को ऊपर लेके जा रहा हूँ तो चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन जब मैं उसको छोड़ूंगा फिर वो क्या होगा, ऊपर से नीचे खुद आएगा, वही वही मास से सिमिलर हो गया ना, ये मास से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ऊपर से जब नीचे आएगा तो ऊपर उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, तो ऊपर से नीचे आएगा तो उसमें क्या होगा भाई, ये इसमें इसमें कौन सी एनर्जी है, अभी अभी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। तो जब ऊपर से नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी, और जब वो B से A आएगा तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसे ही होगा। तो जब मैंने B पे इसको रिलीज किया तो हुआ क्या, Q को मैंने रिलीज कर दिया एट B, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। अब जब मैंने छोड़ा तो वो गिरेगा, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा लॉस ऑफ पोटेंशियल
एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी आपने कहा क्या है, क्यू वी, ठीक है। या अगर आप इसको काइनेटिक एनर्जी रहने दे तो यहाँ से यहाँ जब ये गिरेगा सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इस पॉइंट पर जो वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की आएगी वो भी क्या होगी, क्यू वी, क्योंकि क्यू वी अगर 10 जूल है तो वो 10 की 10 जूल क्या हो गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई। अगर इसके बाद यहाँ 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी है तो टकराने से पहले वो 10 जूल क्या होगी, काइनेटिक होगी ना, तो वो 10 जूल का नाम क्या है, क्यू वी, 10 जूल का नाम क्या है, सही है, सही है भाई। तो बहरहाल काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं क्यू वी से, और पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी ही कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। हाफ एम वी स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं ना इसकी काइनेटिक एनर्जी, लेकिन हमें पता है ये तो ऑलरेडी 10 जूल है, ये क्या है ऑलरेडी, तो ज़मीन पर जब ये टकराएगा तो वो 10 जूल होगी। इस केस में आप क्या कहते हैं, एम जी एच। अच्छा, यहाँ से हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, वैसे मिस तो मुझे कह रही है ख़त्म करें, लेकिन मैंने इतनी मेहनत की है कल मुझे दोबारा ना पढ़ाना पड़े, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी की यूनिट, अगर मैं कहूँ ये एनर्जी जो है ये पोटेंशियल एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर बेसिकली क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल, चार्ज मल्टीप्लाई बाय, अगर इस चार्ज की जगह मैं लिख दूँ एक इलेक्ट्रॉन और V की जगह लिख दूं एक वोल्ट, तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी को लिखते हैं EV। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। वोल्ट क्या होता है, जूल पर कूलम, तो कूलम से कूलम क्या हो गया, कैंसल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है 1.6 इंटू 10^-19 जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की छोटी यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की छोटी यूनिट है, एक्सपोनेंट -19, वही जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, एक चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड एक इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर हो, व्हेन अ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, द एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आखिरी बात है लेकिन गौर से सुनिएगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन कोई ले लूँ, क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज तो फील्ड की डायरेक्शन में आएगा या फील्ड के अपोजिट आएगा, वो तो अपोजिट खुद चला जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो फील्ड के खिलाफ लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से। बहरहाल चाहे चार्ज नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे जाए, अगर वो 1 वोल्ट का पोटेंशियल कवर कर ले, सही है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान पोटेंशियल हो 1 वोल्ट, तो वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन कर लेगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लूज कर लेगा। अब अगर ये पॉजिटिव ही है, ये एक ऐसा चार्ज है जो पॉजिटिव है, लेकिन इसका चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो कौन सा सच पॉजिटिव, प्रोटॉन होता है ना, क्या होता है, तब जो नीचे से ऊपर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, ऊपर से नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा, सही है। काइनेटिक एनर्जी के केस में उलट होगा, काइनेटिक एनर्जी के केस में क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा, ऊपर से नीचे जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी, इसलिए हम कहते हैं एनर्जी गेन और लॉस्ट बाय अ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन
when moving through 1 volt is called 1 electron volt. Energy gain or lost by an electron. सही है, by a charge of 1 electron. When moving through 1 volt is called 1 electron volt. ठीक है, कल इसके न्यूमेरिकल करेंगे, इसको दोबारा देखेंगे.